डेमो दिखाने जा रहे हैं जलजीप मशीन का। ये मॉडल कौन सा है? हजी लॉजिक 6.5 kg मशीन है, 6.2 kg मशीन है। अभी इसका क्या है, इसके बाद आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं। ये 4 स्टेप में डेमो होता है। पहले क्या करते हैं, लोडिंग और लोडिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट लिक्विड काम डालते हैं। थर्ड प्रोग्रामिंग, कैसे प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो चौथा आता है, इसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके बारे में आपको प्रॉपर सब कुछ बताएंगे। सब फर्स्ट जो होता है, जब भी लोग कपड़े लोडिंग और लोडिंग करते हैं, सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, पहले कपड़े जब भी डालना है तो आपको क्या करना है, पहले पॉकेट चेक करिए, पेन कॉइन की चाबी सब नहीं होना चाहिए। आपने सर सबसे पहले पॉकेट चेक कर लिए। पॉकेट चेक में जब भी आपको कपड़े डालना है, डोर ओपन करना है, डोर ओपन करने में जब भी इसके अंदर कपड़े डालना है, कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए। हाईएस्ट 80% कपड़े डालते हैं। ठीक है, कम से कम आधा ड्रम कपड़े डालना चाहिए हर दस लिए। हाईएस्ट 80% कपड़ा आपको फिलअप करना है। आपने क्या किया, पहले कपड़े डाल दिए, कपड़े डालोगे डोर आपको बंद कर देना है। डोर बंद करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, लिक्विड डिटर्जेंट। आपको जब भी लिक्विड डालना है तो इसका लिक्विड आता है, तो आपको यहाँ पर लिक्विड डालना पड़ता है। आपने क्या किया, लिक्विड डाल दिए। लिक्विड डालने के बाद कितना डालना है, लगभग आपको लिक्विड कितना डालना है, 40 ml लिक्विड डालना पड़ेगा। सब फैमिली में इस कपड़े हैं रोज के लिए, तो कितना डालते हैं, 40 ml आपको लिक्विड डालना है। इसको आपको डाल के क्या करना है, क्लोज कर देना है, धीरे धीरे दूर रहता है। इसको बंद करने के बाद थर्ड स्टेप क्या, प्रोग्रामिंग आता है। आपको सबसे पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद यहाँ ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अंदर प्रोग्राम हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, प्रोग्राम वाला बटन आता है, तो यहाँ प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इतना पहले आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद फिलहाल आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद प्रोग्राम कैसे ऑपरेट करते हैं, ये प्रोग्राम वाला बटन होता है जो पी लिखा जाता है, यहाँ प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं। फजी, तो जो फजी रहता है उसका कपड़ा लगाने के लिए आपको क्या करते हैं, फजी लगाना पड़ता है। जो आपका नेक्स्ट आ गया जेंटल उलर, जो ठंडी वाले कपड़े होते हैं, जो सेकंड आ गया है आपको, जैसे आप रेड करना है सेकंड, जेंटल उलर जो ठंडी वाले कपड़े रहते हैं, उलर्स कपड़े रहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उलर्स के लिए कपड़े लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका किक वॉश, ना के बराबर गंदे कपड़े। जैसे आप मार्केट गए हैं, मैरिज पार्टी गए हैं, ऑफिस गए, 2-4 घंटा कपड़े यूज किए हैं, बहुत हल्के नॉर्मल कपड़े गंदे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आपको किक वॉश लगाते हैं। इसका टाइमिंग कितना होता है, 19 मिनट। 19 मिनट क्या होगा, वॉश रिंस स्पिन ड्राई सब कुछ किया जाता है, किसमें, किक वॉश। नेक्स्ट आ गया आपका स्ट्रॉन्ग जींस, जैसे बहुत हाइजीन कपड़े हैं और सब कपड़े लगाना है, तो कौन से प्रोग्राम लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग जींस, जैसे आपका हो गया, इसके लिए बेस्ती चद्दर सोफा टेबल सब लगाना है, तो किसमें लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग जींस लगाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट हो गया स्मार्ट जींस, आपको स्मार्ट जींस करना है, तो उसके लिए स्मार्ट जींस आप लगा सकते हैं, प्रोग्राम लेके कर देना आपको। जैसे आपको सीलेंट कपड़ा और सब कपड़ा लगाना है, तो कौन से प्रोग्राम लगाते हैं, सीलेंट के सीलेंट लगा के आपको चालू कर देना है। इसमें क्या होता है, टाइमिंग वो सब चेक कर लेगा। कोई फेवरेट वाला कपड़ा है, जैसे कोई फेवरेट वाला कपड़ा वो सब कपड़ा लगाना है, तो उससे प्रोग्राम यूज करते हैं, आपको फेवरेट लगा देना है, तो इसलिए फेवरेट लगा के आपको चालू कर देना है। आपने स्टार्ट किए तो इसमें क्या होगा, सब कुछ होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका टक क्लीन, टक क्लीन में आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे आपको 6 महीने एक साल तक कंटिन्यू मशीन बंद कर देना, आपको ऑटो स्टेशन जाना है, इसके अंदर पानी कुछ भी रहते स्मेल बदबू आने लगेगा, उसमें जब भी टक क्लीन लगाते हैं, इसमें आपको टक क्लीन लगाना है और टेम्परेचर हम लोग चेक कर सकते हैं। टक क्लीन लगा के आपको टक क्लीन लगा के चालू कर देना है। ये कितना टाइम लगेगा, इसका 2 हफ्ते चलेगी मशीन। ये सब तो इसमें कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ होके आ जाता है। आपको स्टेप प्रोग्राम के बारे में बता दे रहे हैं, इनको आपको ड्राई करना है। इसके ड्राई करने के लिए आपको टक क्लीन लगाना है, ड्राई करना है, तो यहाँ टक क्लीन स्टेप ड्राई लिखा है, उसके लिए भी रख सकते हैं। ड्राई करने के लिए सीधे ड्राई करना है, ड्राई प्लस उसके लिए ड्राई प्लस कर देना है, सुपर ड्राई आपको सुपर ड्राई करना है, इसलिए सुपर ड्राई भी ले सकते हैं। ये सब स्टेप प्रोग्राम है, आपको चाहिए तब भी लेना, अदरवाइज इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेम्परेचर लेना है, तो आपको लगना मुझे कि कभी बहुत कोई हॉस्पिटल गया है, पब्लिक प्लेस बहुत हाइजीन कपड़े हैं, उससे कपड़े लगाना है, तो उसके लिए आप इसमें क्या करेंगे, ले सकते हैं। तब जैसे आपको कोल्ड पानी ठंडा पानी हो गया है,
वार मतलब गर्म पानी, और हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहेगा। तो आपको जब भी लेना है तो इसके लिए हम लोग इसमें ले सकते हैं। आपको वाटर लेवल कम ज़्यादा करना तो वाटर लेवल भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपको लग रहा है मुझे वाटर लेवल कम ज़्यादा करना है, आपके बिल्डिंग में कम पानी आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग वाटर लेवल भी सेट कर सकते हैं। किस पे? इस पे। यहाँ से वाटर लेवल, आपके बिल्डिंग कम पानी आ रहा है तो हम लोग वाटर लेवल भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे सिल्क कपड़े मुझे वॉश करना है। वाटर लेवल ये आपका आ गया वॉश। सिल्क कपड़े मुझे वॉश करना है, कपड़े सिर्फ खंगालना, ड्राई नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, कपड़ा सिर्फ इसमें वॉश कर सकते हैं। रिंस, आपको रिंस करना तो रिंस भी कर सकते हैं। रिंस मतलब कपड़ा रिंस करेगा। स्पिन, आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े हैं, सिर्फ कपड़ा मुझे ड्राई करना सुखाना है। जब भी हम गीले कपड़े डालते हैं तो कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए गीले कपड़े, और हाइएस्ट 80% कपड़े डालते हैं। जब भी हम लोग गीले कपड़े डालते हैं तो आगे कभी ऐसे नहीं डालना है। जब भी गीला कपड़ा डालना है आपको बाजू डालना है, ठीक है, यहाँ से डालना है और उसको चालू कर देना। कम से कम 50% गीले कपड़े होने चाहिए, हाइएस्ट 75% हम लोग गीले कपड़े डालते हैं। जब भी गीला कपड़ा डालते हैं उसका भी ज्यादा हो जाता है। डिले, आपको डिले क्या करना है, आपको लग रहा है 2 बजे आपको बाहर जाना है, 4 बजे आपको आप इधर पानी आने वाला सोसाइटी में, तो आपको 2 घंटे यहाँ डिले हम लोग लगा सकते हैं। देख रहे हैं ना, 2 घंटे 1 घंटे जो भी आपको डिले चाहिए, तो यहाँ पर 1 घंटे से लेकर 24 घंटे डिले लगा सकते हैं। डिले स्टार्ट मतलब आपको डिले स्टार्ट लगा देंगे, एक प्रोग्राम वाला बटन होता है। आपने अगर मुझे सिर्फ चाइल्ड लॉक करना है तो चाइल्ड लॉक करने के लिए कौन से बटन दोनों दबाते हैं? आपने स्क्रीन लगाया है, आपने स्क्रीन लगाया हुआ है, आपको चाइल्ड लॉक करना है, और रिंग्स प्लस स्क्रीन और दोनों बटन दबा कर रखें। चाइल्ड लॉक करना है ना, आपको चाइल्ड लॉक करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रिंग्स प्लस स्क्रीन वाला बटन दबाना है। ये बटन दबा के रखिए दोनों, स्टार्ट कर दिया। स्क्रीन लगाइए और स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने आपको चाइल्ड लॉक करना है, कैसे पता चले चाइल्ड लॉक है, ये दोनों बटन कंटिन्यू दबा कर रखिए। चाइल्ड लॉक हो, कैसे पता चलेगा चाइल्ड लॉक, सीएल, जो सीएल आया हुआ है चाइल्ड लॉक हो गया। अभी कोई बटन काम करेंगे ऑपरेट नहीं करेंगे, देख रहे हैं ना, अभी चाइल्ड लॉक, आपको चाइल्ड लॉक हटाना है। ये देखो कोई बटन काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट वाला पास वाला भी नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है मुझे चाइल्ड लॉक हटाना है, तो इसको तो बटन फिर कंटिन्यू दबाना है 3 सेकंड से। एक चाइल्ड लॉक हट गया, आपको फिर चैनल लगाना, तो फिर चैनल लगा दो। आपको चैनल लगा दो, आपको कुछ पूछना है और मेंटेनेंस में 2 से 3 चीज आता है, जितने कंपनी पार्ट होते हैं, तो इसके सेफ्टी के फिल्टर आता है उसको आपको लगा कर रखना पड़ेगा। सेकंड क्या आता है, एक क्लीनिंग का पाउडर जो कपड़े खान कंटिन्यू जाता है ड्रम के अंदर, उसको स्वच्छ करने के लिए एक डिस्केल पाउडर आता है, तो इसको हर 30 वॉश होने के बाद 1 महीने में एक बार डिस्केल पाउडर का क्लीन करना पड़ता है, फिर क्लीन करने के लिए एक पाउडर उसको डालना पड़ता है। थर्ड क्या आता है, इसका लिक्विड आता है, आप लिक्विड यूज करेंगे तो आप क्या होता है, लिक्विड यूज करते हैं तो इसका 100% क्या होता है, घुला रहता है। जो पाउडर यूज करते हैं 100% नहीं घुला रहता है, तो आपको जब भी डाला लिक्विड डालेंगे तो वॉश क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको लिक्विड डालना पड़ेगा। चौथा क्या आता है, एक आता है इसको आपको हर वीक में एक बार उसको खोल क्लीन करते रहिए, ठीक है, इसको आपको खोल क्लीन करना पड़ता है। वीक 2 से 3 मेंटेनेंस करते रहे, लॉन्ग टाइम भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका प्रॉपर डेमो हो गया है तो मेरे यूट्यूब पे चैनल है मनीष, तो वहाँ पे आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर जरूर करिए।